नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्क्रिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूँ आज आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, बहुत कमाल की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा आपसे स्क्रिया मार्ट का प्रॉमिस है, वादा है कि स्किल के बारे में सब कुछ आपको देंगे। टीपीज के लिए, टीसीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। इसी कड़ी में ये वीडियो हम लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो असेसर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, असेसर बनने का एक गोल्डन चांस आपको देने वाले हैं। हम बताएंगे पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे आप असेसर बन सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कैसे ट्रेनिंग होगी इसकी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें और खूब सारा शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। बात हो रही है एसेसर बनने की, तो हम आपको बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल के हिसाब आप एसेसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है एसेसर बनने के लिए किसी ना किसी एबी यानी कि असेसमेंट बॉडी या असेसमेंट एजेंसी के थ्रू आपको रूट करना पड़ता है। तो हम आपको बताने वाले हैं MRSD इंफोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस एबी के साथ जुड़कर आप एसेसर कैसे बन सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट है 28 मार्च 2022। 28 मार्च 2022 से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है स्पोक का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, जिस पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। 28 मार्च 2022 से पहले पहले आप एप्लीकेशन भेज दें, उसके बाद मिली हुई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें आपको टैबलेट, मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप के जरिए ये एग्जाम और ट्रेनिंग करनी होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉब रोल की। कुल 7 जॉब रोल में अभी आपको असेसर बनाया जाएगा, जिसमें कुरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, वेयर हाउस स्पीकर और वेयर हाउस पैकर जैसे ये 7 जॉब रोल आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं फीस की। फीस रहेगी इसमें 2,500 रुपए एक जॉब रोल के लिए, जो आपको पे करनी है। और यदि आप 3 जॉब रोल में असेसर बनना चाहते हैं तो आपको पे करनी होगी 5,000 रुपए। बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस है, साथ में आपको 18% जीएसटी ओवरहेड करना होगा। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन में आपको आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जमा कराना होगा। ये थी पूरी प्रक्रिया लॉजिस्टिक सेक्टर में असेसर बनने की। स्पोक का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी हम आपको एक बार फिर से डिस्प्ले करवा रहे हैं। आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करके 28 मार्च 2022 से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके असेसर बन सकते हैं। पूरी प्रोसेस हमने बताई है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगली बार मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।